ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये घर है मुकेश अंबानी जी का, जिसका नाम एंटीनिया टावर है। करीब 13,000 करोड़ रुपीज ये घर का प्राइस है। जहाँ पर अंबानी जी के पास टोटल 168 कार्स है वो यहाँ पर खड़ी रहती है 6 फ्लोर्स में। और टॉप फ्लोर पर है ना यहाँ पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है, जो कि मुकेश अंबानी जी को है ना यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो यहाँ पर जो NSG के कमांडोज होते हैं, यहाँ पर भी एक गन मशीन लेके वो खड़ा है व्हीकल के ऊपर ही, सिक्योरिटी वाला खड़ा है जो यहाँ पर गन लेके खड़ा हुआ है अंदर की तरफ भी। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में हम लोग आए हुए हैं मुकेश अंबानी जी के घर के बाहर की तरफ। आप जो मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये है एंटीलिया टावर जो कि मुकेश अंबानी जी का घर है, और ये वर्ल्ड का है ना मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस है। आज है 22 जनवरी, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, इसीलिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर पूरा रोड है ना ये पूरा सजा के रखा हुआ है। ये पूरी एंटीलिया टावर है ना, इसको भी यहाँ पर सजाया हुआ है। ये देखो, ज्यादा बिल्डिंग अभी के टाइम पर विजिबल तो नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पर आपको कुछ कुछ लाइटिंग्स वगैरह देखने मिल रही है, जहाँ पर जय सिया राम पूरे बिल्डिंग में ऊपर तक लिखा हुआ है। ये बिल्डिंग का है ना, ये देखो ये मेन गेट है, यहाँ पर दो गेट्स बने हुए हैं, एक ये वाला गेट है और एक वो वाला गेट है। मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट होती है, जो कि मुकेश अंबानी जी को है ना यहाँ पर Z+ सिक्योरिटी दी गई है। तो यहाँ पर जो NSG के कमांडोज होते हैं, पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े होते हैं। जो आप शाहरुख खान सलमान खान के घर के बाहर जाकर है ना जैसे फोटोज क्लिक करते हो उनके गेट के पास, यहाँ पर तो आप है ना फोटोज भी नहीं क्लिक कर सकते। आप वहाँ पर जाओगे ना तो आपको वहाँ से डायरेक्ट भगा देंगे, वहाँ पर आपको खड़े भी नहीं रहने देने वाले हैं। ऑफकोर्स वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है, लेकिन यार सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा टाइट रहती है। ये देखो यहाँ पर भी एक गन मशीन लेके वो खड़ा है व्हीकल के ऊपर ही। ये जो अंबानी जी का घर है ना, ये मुंबई के अल्ट माउंट रोड पर लोकेटेड है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है, इसको अल्ट माउंट रोड बोलते हैं। पर भी एक मुंबई पुलिस का बूथ लगा हुआ है, जहाँ पर रोड की एंट्री होती है ना, वहीं से सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाती है अंबानी जी। ये जो पूरी सिक्योरिटी है ना, यहाँ पर दिन के है ना मुकेश अंबानी जी करोड़ रुपए खर्च करते हैं सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। और मैं आपको ये बिल्डिंग के है ना कुछ फीचर्स बताता हूँ, वो जानकर है ना आप शॉक हो जाओगे। ये पूरी बिल्डिंग है ना यहाँ पर 570 फीट की है, जो एक्चुअल में है ना 40 फ्लोर्स जितनी लंबी है, लेकिन इसमें है ना सिर्फ 27 फ्लोर्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ फ्लोर्स है ना डुप्लेक्स है, डबल द फ्लोर है। यहाँ पर देखो ये स्टार्टिंग के 6 फ्लोर्स जो है, यहाँ पर आप देख सकते हो जय सिया राम लिखा है यहाँ तक, तो ये पूरा है ना ग्रास का पार्ट है। तो यहाँ पर है ना ये 6 फ्लोर्स में इनकी पार्किंग बनी हुई है, सिर्फ यहाँ पर 6 फ्लोर्स की पूरी पार्किंग रहती है। जहाँ पर अंबानी जी के पास टोटल 168 कार्स है वो यहाँ पर खड़ी रहती है 6 फ्लोर्स में। इसके ऊपर वाले फ्लोर्स पर है ना यहाँ पर प्राइवेट थिएटर बना हुआ है, प्राइवेट स्विमिंग पूल है उनका। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग में है ना अंबानी जी के फैमिली मेंबर 7 लोग हैं उनकी फैमिली में, तो वो सभी लोग यही घर में रहते हैं। और करीब है ना 700 से भी ज़्यादा सर्वेंट्स रखे हैं उन्होंने ही अपने घर में। और घर के अंदर है ना 9 से भी ज़्यादा लिफ्ट्स है यहाँ पर, मतलब कुछ लिफ्ट जो सर्वेंट्स हैं वो लोग यूज़ करते हैं, और कुछ लिफ्ट्स यहाँ पर सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के लिए होती है। जो ऐसी लिफ्ट रहती है जो नीचे से लेकर है ना पूरे ऊपर वाले फ्लोर तक डायरेक्ट उनके रूम के अंदर निकलती है। और यहाँ पर जो अंबानी जी की पूरी फैमिली है ना वो यहाँ पर सबसे टॉप फ्लोर पर रहती है। और टॉप फ्लोर पर है ना यहाँ पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है, जो कि आप साइड में फोटो में देख सकते हो, ये साइड में देख सकते हो एक लिफ्ट यहाँ पर भी लगी हुई है, जो लिफ्ट है ना यहाँ पर वर्कर्स को यहाँ पर ऊपर नीचे लेकर जाने में हेल्प करती है। इस तरफ भी दूसरे वाले गेट पर है ना काफी सारी सिक्योरिटी खड़ी है। देखो यहाँ पर NSG के जो कमांडोज रहते हैं वो सारे यहाँ पर खड़े हैं, एक डॉग भी है यहाँ पर। देखो रोड के ये तरफ भी है ना काफी सारे यहाँ पर आर्टिफिशियल लैंप्स रखे हुए हैं, तो ऐसी यहाँ पर माहौल है ना हर फेस्टिवल के टाइम होता है, चाहे वो दिवाली हो या गणेश चतुर्थी हो, तो या फिर फर्स्ट टाइम आज 22 जनवरी जो कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन भी यहाँ पर ऐसी तैयारियां की गई है। आप देखो यहाँ पर अभी गेट खुला है ना तो हमें दिख रहा है कि अंदर यहाँ पर देखो एक सिक्योरिटी वाला खड़ा है जो यहाँ पर गन लेके खड़ा हुआ है। तो देखो यही कुछ ओवरऑल लुक था पूरे इनके ये घर का। तो आपको ये इनका घर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बस अभी हमें ना ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल दैट टाइम गुड बाय।